नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। मॉर्निंग हेडलाइंस में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खबरों पर। धारा 370 हटने के बाद नापाक पाकिस्तान झल्लाया हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए पाकिस्तान आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में जुटा रहता है। इस क्रम में शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के केरनी कस्बा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमापार से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ बंगलुरु में आयोजित की गई रैली में AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी के सामने एक लड़की ने मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि नागरिकता कानून विरोधी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चिंताजनक स्थिति है। इस तरह के मंच पाकिस्तान समर्थित नारों को मौका दे रहे हैं। सरकार इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का कहना है कि वो नक्सलियों से जुड़ी है। उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। शिमला सहित रोहतांग, कुफरी, नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी का दीदार करने के लिए सैलानी उमड़ पड़े। वहीं मौसम के इस मिजाज से तापमान में फिर गिरावट आई है और बर्फबारी से शीतलहर पड़ी है। करीब 40 केंद्रीय मंत्री अप्रैल में फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये मंत्री केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रशासन द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जानकारी बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने दी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का फैसला करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने राज्य की यात्रा करने वाले 37 केंद्रीय मंत्रियों का अनुसरण करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि करीब 40 केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा बैच जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वित्तीय कार्रवाई बल FATF ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के काम से नाखुशी जाहिर करते हुए जून 2020 तक ग्रे लिस्ट की अवधि को बढ़ा दिया है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 27 सूत्री कार्य योजना पर जून से पहले अनुपालन करने के लिए उसको कहा गया है। पाकिस्तान अगर आतंकियों को रोकने के लिए प्रभावी काम नहीं करता है तो उसे जून 2020 में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली छावनी में नए थल सेना भवन की प्रस्तावित संरचना का शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस भवन में कुल 6014 कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 1684 कार्यालय सैन्य गैर सैन्य अधिकारियों के लिए और 4330 उपकर्मियों के लिए होंगे। चीन और पाकिस्तान की ओर से हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए भारत 6 परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। 1.2 लाख करोड़ के इस सौदे को जल्द ही सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय भारत दौरे पर 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे। ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मोदी और ट्रंप के 22 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ड्रोन रोधी प्रणाली 24 फरवरी को यहां डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए की जा रही पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होगी, अधिकारियों ने जानकारी दी। LPG के दाम बढ़ने से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। कीमत बढ़ने से उज्ज्वला योजना के 25% लाभार्थियों ने दोबारा कभी सिलेंडर नहीं भरवाया। लाभार्थी लकड़ी, कोयला जैसे अशुद्ध ईंधन के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। SBI रिसर्च की हालिया रिपोर्ट इनको प्रेप ने ये खुलासा किया है। तो ये थी अभी तक की खबरें। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।